राबी ने मुझे ये तो बताया था कि वो आंटी सुल्ताना की तरफ जा रही है, लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि उसकी तबीयत भी खराब हुई थी। अरे बेटा परेशान होने की बात नहीं, वो लोग आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमन, खैरियत तो है ना? ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आप राबी को सुल्तान आंटी के पास लेकर गई? अरे बेवकूफ, कोई सास अपनी बहू को अचानक लेडी डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाती है? आपका मतलब है कि? हाँ, कोई बहुत जल्द तुझे बाबा कहकर पुकारेगा। उसे तंग मत करना। मुबारक हो बच्चों, अब तो वाकई फराज हसन की बेटी ने इस घर में अपने कदम जमा लिए। ये तुम मुझे मुबारक दे रही हो या ताना? वैसे कभी कभी तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत हर्ट करता है साजना। सॉरी बच्चों। Mom, seriously, I mean, you were really the best. अगर कोई और काम हमारा नहीं चला ना तो हम लोग एक बेकरी खोल लेंगे। सीरियसली मक्खन नहीं लगाओ। अरे सुन ले तो सही, बहुत तो मैं माँ ब्रेक ना लगाया। अरे क्या बात है? बात बताओ, ये बेला नामी च्युइंगम इस घर में कब तक रहेगी? तुम्हें बेला से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं लगता। बेवकूफ लड़के, बेला से सना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और तू इस दोस्ती का फायदा उठा। सफाई छोड़, चाय बना। जी सर। पापा कहने का मतलब ये है कि मैं सना के साथ साथ वो च्युइंगम बेला की भी खुशामदें करूं। दैट्स इम्पॉसिबल यार। मैंने तो बेला से कहा है कि वो सना को समझाए कि फरहान अच्छा लड़का नहीं है। सीरियसली मामा, क्या आला बात की यार। तुम्हें हैरत इस बात की है कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। बहुत सिंपल है कि सना तक पहुंचने के लिए आई कैन यूज बेला। सुनो, बेला बहुत अच्छी लड़की है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे होश में बेला को कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती? मिशन बेला। हाय। हेलो। हाय। आज सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकला? आओ। ये लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये पता लगा सकूं कि सूरज साहब मशरिक से निकले या मगरिब से। कहीं जा रहे हो? हाँ, लेकिन अगर तुम कहो तो नहीं जाता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना समीर? हाँ, बट तुम खुद ही तो हमेशा कहती हो। समीर, तुम कब बदलोगे? आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। समथिंग स्पेशल? स्पेशल ना, नथिंग स्पेशल। समीर, जब तुम गुस्से में नहीं होते ना तो बहुत अच्छे लगते हो। कम ऑन यार, अब झूठ ना बोल। नो, आई एम सीरियस। सीरियस? सीरियस अबाउट व्हाट? About me? नहीं, वो मेरा मतलब ये था कि तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए गुस्सा मत किया करो। अच्छा, मुझे तो लगा मैं तुम्हें हर हाल में अच्छा लगता।
अच्छा तुम वाकई बदल गए हो, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो पा रहा। You know, actually, Bela, are you ready? चले? हाँ, yeah, one second. चलो आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली हम लोगों को मार्केट जाना था शॉपिंग के लिए। मुझे भी बता देते, मैं तुम लोग का ड्राइवर बन जाता। नेक्स्ट टाइम तुम्हें ही बताकर जाऊंगी। फिलहाल तुम ये पकड़ो। वही ना चौथे रमीज के साथ थी? आर यू मैड? वो रमीज नहीं, फारान है। वो तुम्हें तो धोखा दे सकता है, मगर अब मुझे नहीं। सना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? पता नहीं इन्हें क्या गलत फहमी हो गई है, फारान को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। प्लीज आप बोल बोल। देखिए, आपकी फ्रेंड को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रही। उसका नाम फरहान ही है और वो सना से मोहब्बत करता है। वो रमीज कैसे हो सकता है? वो तो न जाने किस किस से मोहब्बत करता है। आर यू श्योर कि आपका रमीज ही फरहान है? नाम बदलकर लड़कियों को मोहब्बत का यकीन दिलवाकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाना उसकी आदत है। मोहब्बत का एक बड़ा आलमिया यही है, मोहब्बत इंसान को वही दिखाती है जो वो खुद देखना चाहता है। तुमने मेडिसिन ली थी? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो आपके कहने पे मेडिसिन लूंगी। ले ली थी मेडिसिन। शुक्र किया करो कि तुम्हें इतना चाहने वाला शौहर मिला। अच्छा जनाब, इतला देने के लिए शुक्रिया। हेलो मामा, आइए आइए। रवि बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे मामा, कभी अपने बेटे की तबीयत कभी पूछ लिया करें? मुझे पता है, माशाल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक। रवि बेटा, ये इन पेपर्स पे साइन कर दो। मैं मामा? क्यों, तुम्हें शहर यार ने बताया नहीं? अरे भाई, मैं क्यों बताऊं, ये आप जाने और रवि, मुझे क्या जरूरत है प्राय मामलों में टांग रखने। मुझे पता है तुम्हारा मूड क्यों खराब है। लो बेटा, तुम साइन करो। मामा, ये किस चीज के पेपर्स हैं? बेटा, एक बहुत अच्छी हाउसिंग स्कीम में 2 किनार का प्लॉट खरीदा तुम्हारे लिए। तुमने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, हम तुम्हें छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकते? प्लीज साइन। लेकिन मैं इनका क्या करूंगी मामा? एग्जैक्टली जब मुझे इस प्लॉट का पता चला तो मैंने मामा से यही कहा था कि राबी क्या करेगी, आप मुझे दे दें, मैं अपने बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट कर लूंगा। जी नहीं, आपका इस प्लॉट में कोई शेयर नहीं। ओके, यानी बहू के लिए गिफ्ट और बेटे को नो लिफ्ट।
ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। रवि बेटा, मैं ये पेपर्स कंप्लीट करा के फिर आपको दूंगी। थैंक यू मामा। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। माशाल्लाह बड़े लाड उठवाए जा रहे हैं। तो आप जनाब क्यों जेलस हो रहे हैं? हबीब, तुमने जिस तरह अपनी मोहब्बत से मामा को बल्कि सबको अपनाया, I'm really thankful to you. इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है शहरिया। मामा ने मुझे इस घर में अजनबियत का एहसास ही नहीं होने दिया। और हमने? ओ, अपनी तारीफ सुने बगैर तो आप जनाब रह ही नहीं सकते ना। नाम बदलकर लड़कियों को मोहब्बत का यकीन दिलवाकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाना उसकी आदत है। उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाना उसकी आदत है। आओ बिना। मुझे तुम्हारी परेशानी का पूरा अंदाजा है सना। जब इंसान किसी से मोहब्बत कर बैठते तो उसे फरिश्ता मान लेते। नीला, मुझे फरहान पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें फरहान पर भरोसा है तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? शायद इसलिए कि वो भी फरहान से उतनी मोहब्बत करती थी जितनी आज तुम करती हो। लेकिन वो फरहान को रमीज क्यों समझ रही है? हो सकता है फरहान ही रमीज हो। बेला, सॉरी सना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम एक दफा फरहान से बात तो करके देखो। इन केस अगर फरहान ही रमीज है तो वो काबिल एतबार क्या? वो मोहब्बत के भी लायक नहीं। What a surprise, सना तुम? और इतनी सुबह सुबह? इस सुबह का मैंने बहुत इंतजार किया। पर ऐसी क्या खास बात है सुबह में? Anyway, आओ ना अंदर आओ। शौक हो गया तुम्हें सुबह सुबह देखकर। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। बहुत अच्छी चाय बनाई है मैंने खुद। फरहान, क्या वो लड़की कौन जो हमें पार्क में मिली थी? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। प्लीज फरहान, मैं मजाक नहीं कर रही। यार एक तो तुम लड़की में जेलसी बहुत होती है, अभी तक भूली नहीं उसे। कैसे भूल जाऊं? वो तुमसे मोहब्बत का दावा सिर्फ जुबान से ही नहीं करती, उसकी आंखों में भी तुम नजर आते। लेकिन सना, मेरी इन आंखों में सिर्फ तुम्हारे ही ख्वाब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे पहले ये ख्वाब तुमने किसी और के लिए भी देखे हो? शट अप, जस्ट शट अप।
मैं क्या करूं परा? कोई तुम्हारे बारे में ऐसे कहे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं रहा? I'm sorry, फरहान। वो लड़की कौन है और क्या चाहती है? I don't care। लेकिन अगर तुमने मुझ पर शक किया ना तो मैं सना, मैं ना तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी फरा, मगर क्या करूं, तुम्हें खो देने का खौफ कितना अजियतनाक है। शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकती, सना जिससे मोहब्बत की जाए वही आप पर शक करे ना तो बहुत दुख होता है। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ इधर बैठो आके मेरे पास। राबी बेटा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी। वो क्या? तुम्हारे जवार अंकल आने का प्लान बना रहे हैं। ये तो वाकई खुशी की बात है। मैं सोच रही हूँ कि जवार के आने पर सना की एंगेजमेंट कर दें। जी, मेरा तो यही इरादा था कि सना की शादी भी तुम लोगों के साथ ही हो जाती, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि एनीवेज सना के लिए शायद यही वक्त मुनासिब है। आपने सना से पूछा है? बेगम, चाय के साथ समोसे भी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, गमलों को सफेद नहीं लाल रंग करना है। ये बाल बात पर लंबी कौन? ये है जैस की नई ऑफर, 1+1 बस 550 पर SMS करो और हर नेटवर्क पर 1 मिनट से लंबी कॉल पर 1 मिनट फ्री पाओ। जैस 1+1 ऑफर से 15 नवंबर तक फ्री मिनट्स जमा करो और उनसे फ्री कॉल्स मिलाओ। असलम भाई, अब तो सही रंग लगा रहा हूँ ना। तुम भी जैस 1+1 और सुनाओ। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। सना को समझाओ बेटा, वो समझती है कि वो फरहान के साथ खुश रह सकती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। राबी, ये अंदाजा तो तुम्हें भी हो ही चुका होगा कि सना ने जिस माहौल में आंख खोली है वो माहौल उसे फरहान नहीं दे सकता। तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रही हूं? जी। फरहान अच्छा लड़का है, उसे अपने स्टेटस के मुताबिक कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी जो उसके साथ भी खुश रहेगी और उसे भी खुश रखेगी। तुम सना को समझाओ। मैं ये फाइल सेफ्टी दे जाएगी। ओके। ये तुम्हारे प्लॉट के पेपर्स। अब तुम इस प्लॉट की आपसे एक बात पूछनी। पूछो।
आपने जवाहर विलास की नई बहू रानी को गिफ्ट नहीं दिया? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? आबिदा आंटी ने तो अपनी नई नवेली दुल्हन को एक प्लॉट गिफ्ट किया। अच्छा, लेकिन बच्चों ने मुझे तो नहीं बताया। यकीनन प्लॉट बहुत महंगा भी होगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी इतनी है कि अगर अपनी नई दुल्हन को इतना महंगा प्लॉट गिफ्ट कर सकती हैं, तो उसके भाई को अपनी बेटी का रिश्ता भी दे सकती हैं। ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा उल्टी बातें क्यों आती हैं? उल्टी बातें इसलिए आती हैं क्योंकि उनको सीधा करने का सारा जो बंदोबस्त है ना, वो मुझे अकेले को खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, क्या करना चाहते हो तुम? माँ, आप हमेशा मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ मैं खुद ही करूंगा? I mean, why don't you talk to Abida आंटी? अगर इसी तरह अपनी बहू के नाजो नखरे उठाती रही ना वो, तो कल को उन्हें उंगलियों पे न जाएगी वो। बेटा, उनके हर मामले में मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। बच्चों समझदार हैं, अपना नफा नुकसान वो खुद सोच सकती हैं। हाँ, नफा अपना, नुकसान हमारा। बाय। कहाँ जा रहे हो? आपकी वो चहेती बेला है ना, उसे जरा बाहर तक लेके जा। और पूछे क्यों लेके जा रहा? क्यों लेकर जा रहे हो? अपने नुकसान को नफे में बदलने के लिए। टेक केयर समीर। बेला, ओह माय गॉड, इस लड़के की बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। Hey बेला, do you know मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? मैं जानकर क्या करूँ? मेरे लिए तो यही काफी है कि तुमने मेरे लिए वक्त तो निकाला। एक्चुअली वजह ये थी कि कुछ अर्से में तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो जस्ट थॉट के। मतलब ये कि फिर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे? ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम बिजी हो जाओगी ना, सो यू नो इट विल बी डिफिकल्ट। सो मुझे एक्चुअली तुमसे एक और बात भी करनी थी। हाँ बोलो। बेला, सना इतनी नादान तो नहीं है कि उसे फरहान के फरेब का बिल्कुल भी पता ना चले। समीर, क्या तुम भी फरहान को फरेबी समझते हो? यार देखो, मैं इसी शहर में रहता, आई एम क्वाइट अवेयर कि उसकी रेपुटेशन यहाँ पे क्या है। अमीर लड़कियों को फांसना उसकी आदत है। खुदा जाने सच के, लेकिन जितनी मोहब्बत सना फरहान से करती है ना, उसे देखकर मेरा दिल नहीं मानता कि फरहान सना से फ्लर्ट कर रहे। बेला, दिल तो मेरा भी नहीं मानता। समीर, सना और फरहान बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर फरहान इतना ही सच्चा है तो उसने अभी तक प्रपोजल क्यों नहीं भेजा? और वैसे भी ना, मुझे लगता है फरहान राबी की शादी के बाद सना को अवॉइड कर रहा है, लेकिन वो बेवकूफ लड़की है, समझ नहीं सक रही। समीर, क्या हम यहाँ दूसरों को डिस्कस करने के लिए आए हैं? So sorry. Excuse me a minute. Hello, boss. Order. Hello. कहाँ घूमो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर सोच रहे हो। Let me guess. हाँ, तुम ये सोच रही हो कि शरियार कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, ऐसे शौहर तो किस्मत वालों को मिलते हैं, मेरी तारीफें सोची थी, राइट? कितने खुशफहमी है आपका। मस्ती ना करो। शरियार, आपकी मामा बता रही थी कि अंकल जवार के आने पर सना की एंगेजमेंट कर रहा था। मामा ने बताया तो था। शहरयार, मामा सना और समीर की शादी प्लान कर रही हैं और सना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो फिर आखिर सना चाहती क्या है? क्योंकि समीर से इनकार की कोई रीजन तो होनी चाहिए ना। रीजन तो है। वो क्या? आप नाराज तो नहीं होंगे? ऐसी क्या बात है? वो शहरयार,
सना और फरहान भाई एक दूसरे को बहुत अरसे से पसंद करते हैं। क्या ये नहीं हो सकता? लेकिन क्यों शहरयार, जिस घर की बेटी लेने में आपने सारे डिफरेंसेस इग्नोर कर दिए, उस घर में बेटी दे क्यों नहीं सकते? राबी प्लीज, तुम इस मामले से दूरी रहो तो बेहतर है। लेकिन क्यों? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात तुमने उस सनम ने मुझसे छुपा के रखी। इतनी बड़ी बात? देखो, सना और फरहान की शादी मैं खुद करवाऊंगा। आपने तो डरा ही दिया है यार। मुझे इस सब बात का थोड़ा अंदाजा था लेकिन कंफर्मेशन नहीं। तुम बताओ, इससे ज्यादा मिलने खुशी की बात और क्या हो सकती है कि फरहान इस घर का दामाद बने? लेकिन शहरयार, मामा ऐसा नहीं चाहते। उनकी टेंशन तुम मत लो, मैं संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू शहरयार। Hey, समीर, कैसे हो? बस ठीक ठाक। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बैठो। थैंक्स। क्या लोगे? यार नो थैंक्स, वैसे भी यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताओ कि क्या लोगे और घर में सब ठीक है ना? घर में सारी खैर खैरियत की खबर तुम्हें आई थिंक सना रेगुलरली दे ही देती होगी। ये सना का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? सॉरी यार, आई नो दैट इट्स योर पर्सनल मैटर, बट इस पर्सनल मैटर में सना भी इन्वॉल्व। वैसे बाय द वे, तुम्हें सना की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अरे भाई, कजन है मेरी, कोई उसको चीट करेगा तो खामोश थोड़ी बैठा रहूंगा मैं। देखो समीर, तुम्हें किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशंस देने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं। जस्टिफिकेशंस तो तुम्हें देनी पड़ेंगी फरहान, यू विल हैव टू गिव देम। हेलो सना, फरहान बात कर रहा हूं, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। आखिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? क्या हुआ है फरहान, कुछ बताओ तो सही। क्या हुआ? अगर तुम मेरी बेटी से सेटिस्फाई हो तो फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम है? मेरे फैमिली मेंबर्स? हाँ, समीर आया था मेरे ऑफिस में और जानती हो मुझे क्या बताने आया था? वो मुझे ये बताने आया था कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं। शायद बेला ने उस लड़की के बारे में बताया होगा। आखिर बेला को हमारे रिलेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? शायद समीर ने बेला की बातों को मिसअंडरस्टैंड किया होगा, वरना उसे हमारे रिलेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें सभी अच्छे लगते हैं, अगर कहो तो मैं अपना क्रेडिट सर्टिफिकेट अपने गले में डाल लूं। प्लीज फरहान, अपना मूड ठीक करो। सर आखिर मैं किस किस को जस्टिफाई करूंगा? समीर को मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये सब मैं ही जानता हूँ। अगर वो मेरे ऑफिस में ना होता तो मैं देखता हूँ उसकी इतनी जरूरत कैसे होती। जब मैं तुम्हारे साथ तो तुम किसी की परवाह क्यों करते हो? परवाह ना करूं? कोई तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है और मैं परवाह ना करूं? मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है फरहान, अब अपना मूड ठीक करो वरना मैं जा रही हूँ। मेरा मूड तो तुम्हारे आने से ठीक हो जाता है, इसलिए कहता हूँ कि हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ जाओ ताकि मेरा मूड हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सच कहूं, इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ बाहर आकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली मुझे अंदाजा है कि बिजनेस की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन यकीन जानो कभी भी तुम्हें खुद से दूर महसूस नहीं करता मैं। मोहब्बत का एहसास ऐसे ही होता है शहरयार, कभी किसी की कमी महसूस ही नहीं होने देता।
मैं भी घर पे पूरा दिन आपके ना होते हुए भी आपको महसूस करती हूँ। वो बच्चा देखा, कितना क्यूट है। बच्चे तो होते ही क्यूट हैं, बस इनमें एक खराबी होती है कि ये जल्दी बड़े हो जाते हैं। पर देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, अपनी दुनिया में मस्त, किसी की कोई परवाह नहीं उसको। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, उसे उठाऊं, उसे ढेर सारा प्यार करूं। फिर पता है क्या होगा, इसके पेरेंट्स ना पुलिस को फोन करेंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया। अरे मैं इतना मासूम सा बंदा, मुझे क्यों वो किडनैपर समझेंगे? वैसे बात तुम्हारी भी ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लिया जाए तो बेहतर है। वैसे हम उसका नाम क्या रखेंगे? शहरयार, अभी बहुत वक्त है। अरे काम भी तो बहुत सारे हैं, उसका नाम रखना है, शहर के सारे स्कूलों का सर्वे करना है, और हाँ हमें अपने रूम में एक कॉर्नर भी तो रेनोवेट करना है उसके लिए, और कितने काम है। आप ऐसा कीजिए कि अभी से उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ लें। देखा तुमने मेरे काम बढ़वा दिए। तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे चॉकलेट पसंद है? इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? मैं दुनिया के हर इंसान को ये बात पता है कि लड़कियों को एटलीस्ट चॉकलेट्स तो पसंद होती हैं। सर। ओए सना, थैंक यू। ये लो। क्यों मिले तुम फरहान से? फरहान सिस्ती मिला था क्योंकि आज के बाद तुम फरहान से नहीं मिलोगे, सुना तुमने? मैं आइंदा के बाद उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं उससे तुम्हारी भलाई के लिए। ये हक तुम्हें किसने दिया? सना समीर की बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, और समझा दो इसे, मेरी फिक्र करना छोड़ दे। सना, जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं ना तो एक दूसरे की फिक्र करनी पड़ती है, और मैं फरहान से सिर्फ इतना कहने के लिए गया था कि अगर वो सिंसियर है तो प्रपोजल भेजने में इतनी देर क्यों कर रहा है। सना समीर का मकसद तो सिर्फ रहने दो, क्योंकि इसको मेरी हर बात हमेशा बुरी लगनी होती है। फरहान के कैरेक्टर पर सवाल करना सही था? इसका जवाब तुम्हें मैं देती हूं। सना, धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है। अगर तुम फरहान पर एतबार करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई फरहान को फरिश्ता समझे। सना, आई एम सॉरी इफ आई एवर हर्ट यू। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। सुनो, कम से कम मुड़ो तो सही। क्या ये लो, चाहो तो दोबारा पहन दो।